नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं लीलू चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे, पिछले सारे वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रश्न कुंडली कैसे सॉल्व की जाती है, कैसे देखी जाती है, उसके कौन से भाव क्या बताते हैं, कहाँ क्या मजबूत होता है, केंद्र का क्या पोजीशन होती है, गुरु की क्या स्थिति होती है, ये सारी चीज़ों से कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है हमने आपको बता दिया। अब हम आपको ये इस वीडियो में लास्ट समापन की तरफ बढ़ेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि टोटली प्रश्न कुंडली का अध्ययन करते समय किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए और कैसे सटीक भविष्यवाणी करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और एक से ज़्यादा सवाल पूछता है, जो कि पूछ भी सकता है, कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आपसे एक ही सवाल पूछने के लिए आ रहा हो सकता है वो उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे हों, ठीक है। तो अगर वो कई सवाल पूछता है, चार पाँच सवाल पूछता है, तो क्रम से किस किस सवाल का कैसे जवाब देते हैं और किस किस ग्रह को देखते हैं ये आप समझ लीजिए। जन्मांक चक्र कैसे बनाते हो तो हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, पहला प्रश्न अगर वह पूछता है तो लग्न से देखिए। पहला क्वेश्चन में लग्न की पोजीशन देखिए, लग्न की पोजीशन कैसी है। जब दूसरा प्रश्न पूछता है तो चंद्र की पोजीशन देखिए, चंद्र कहाँ है और उसकी स्थिति कैसी है। तीसरा प्रश्न पूछता है तो सूर्य की स्थिति देखिए, यानी सूर्य की पोजीशन क्या है, सूर्य किस स्थिति में है, सूर्य की बल कैसा है, सूर्य का किस भाव में बैठे हैं ये देखिए, किस राशि में है और सूर्य जिस राशि में बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं। चौथा प्रश्न पूछे तो गुरु से देखिए कि गुरु की कुंडली में कहाँ पोजीशन है, क्या है और कैसी है। पांचवा प्रश्न पूछे तो शुक्र या बुध, जो भी इनमें से बली हैं, उनकी पोजीशन देखिए कि वो क्या है, वो किस स्थिति में है, उससे उसका जवाब दीजिए। अगर लग्न मजबूत है होगा, नहीं है नहीं होगा। दूसरा प्रश्न चंद्र, चंद्र की स्थिति अगर दिग्बली है, अच्छे हैं, पूर्ण बली हैं, होगा, कार्य सिद्ध होगा, नहीं है तो नहीं होगा, कमजोर है, हो भी सकता है प्रयासों के द्वारा। तीसरा प्रश्न सूर्य से, सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है 100% कार्य होगा, 100%। सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, कार्य नहीं होगा, संभावना कम है। सूर्य की स्थिति अगर बीच की है, कार्य हो सकता है अगर परिश्रम किया जाए। चौथा प्रश्न इसी समान गुरु से, इसी तरह से पांचवा इसमें देखा जाता है। अब बात करते हैं स्थिर लग्न और चर लग्न में क्या है। देखिए, जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल में जो, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आपका रोग दूर होगा कि नहीं, या जिस बीमारी से मैं पीड़ित हूँ वो बीमारी जाएगी, जो सामान्य स्थिति चल रही है घर में वो स्थिति दूर होगी, कुंडली बनाइए। अगर वो एक ही सवाल है तो लग्न से देखिए, अगर वो स्थिर लग्न में है तो स्थिति जस की तस रहेगी। चर लग्न है, स्थिति परिवर्तन होगी, जब परिवर्तन होने की स्थिति बन रही है उसी समय से परिवर्तन होगा, ठीक है। द्वि स्वभाव है तो कभी बनी रहेगी कभी हटेगी भी। तो इस तरह से राशियों को देख के, कि उनके स्थिर स्वभाव चर स्वभाव देख करके भी बताया जा सकता है कि यहाँ पे क्या पोजीशन रहेगी। एक प्रश्न कुंडली में ध्यान देने वाली बात, जो बली होते हैं, ग्रह बली कैसे होते हैं। तो जैसे गुरु लग्न में बली होते हैं तो शनि सप्तम में बली होते हैं, लेकिन गुरु सप्तम में जाके बलहीन हो जाते हैं, दिग्बली नहीं रहते। ऐसे ही शनि लग्न में जाके दिग्बली नहीं रहते, हीन हो जाते हैं। तो इसी तरह से सारे ग्रहों के किस भाव में बली और दिग्बली और बलहीन होते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। यानी कि कुंडली के अध्ययन में उन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है जिन बातों का ध्यान रखते हैं आप कुंडली के अध्ययन में, नॉर्मल जन्मांक कुंडली के अध्ययन में। प्रश्न कुंडली सिर्फ उसके लिए है जिसको या तो उसका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, कोई चीज़ नहीं पता, या किसी समस्या को, किसी चीज़ से परेशान होकर उसका तुरंत जवाब चाहता है, उसे नहीं पता ज्योतिष की मर्यादाएं और ज्योतिष की सीमाएं कहाँ तक होती हैं। तो आपको उन मर्यादाओं को साधना है, उन चीज़ों को बताना है, और जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वान लोगों ने, विदुषों ने हमें दिया है, उन चीज़ों को हमें आगे आने वाली पीढ़ी को देना है ताकि वो भी उससे लाभ उठा सके। तो प्रश्न कुंडली की यही महत्वता है। प्रश्न कुंडली का यूज लाइफ में इसी तरह से करने से आपका भला भी होगा और दूसरों का भी भला होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कि कुछ समय से हम फेस कर रहे हैं, देखिए ये पेड चैनल है, हम एक सवाल या एक दो सवालों का जवाब दे देंगे, लेकिन नॉर्मली अगर आप पूरी ज़िंदगी का चाहते हैं तो प्लीज़ फ्री में पाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि जब आप फ्री में पाएंगे तो उतना मन से, उतनी तन्मयता से शायद देखने वाला भी नहीं देख पाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए ना अपना, क्योंकि जब हम फ्री में किसी का देखते हैं तो हमारा गुरु खराब होता है, जब आप फ्री में किसी से दिखवाते हैं तो आपका शनि खराब होता है। ना हमें गुरु खराब करने के लिए विवश करिए, ना अपना शनि खराब करिए। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। नमस्कार।